हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले वाटर कलर ट्यूटोरियल के बारे में। तो ये ट्यूटोरियल बिगनर्स लोग के लिए जो अभी भी वाटर कलर स्टार्ट किए हैं, उन्हें नहीं आता हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सिंपल A3 साइज़ का पेपर कार्ट्रिज लिया है जो कि रफ़ है और कैमल वाटर कलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो हमने फर्स्ट लेयर में वाटर कलर का एक लेयर मार दिया है जिसमें लेमन येलो था, और सेकेंड लेयर पर हम धीरे धीरे पैच कर रहे हैं सैप ग्रीन से। तो आपको एकदम लाइटली लेमन येलो का शेड देने के बाद धीरे धीरे उस पर लाइट लाइट करते जाना है पैच। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, फर्स्ट लेयर में लाइट टू डार्क जाना है। तो देखते रहिए किस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप फर्स्ट लेयर में डार्क कर देंगे ना तो सेकेंड लेयर आप लाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लाइट टू डार्क जाने का कभी भी वाटर कलर में फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं जिस तरह से मिडल में जो लाइट है और बैकग्राउंड में धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, जिससे वो लाइट का फोकस होगा, एक लाइट पॉइंट होएगा। और जो आपका ट्री है और ट्री की साइड में जो लीव है उनको डार्क करते जाना है। इस स्टेप ग्रीन में धीरे धीरे डार्क मिक्स करना है, या बर्न्ड साइन भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, जिससे वो डार्क हो जाएगा धीरे धीरे। और जो ट्री है तो उसको आप बर्न्ड साइन या पर्शियन ब्लू मिक्स करके कर सकते हैं, इससे वो और डार्क हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपको फ्रंट में जितना है ट्री को बड़ा करना है और जितना बैक में है वो धीरे धीरे छोटा करना है आपको, जिससे वो प्रोस्पेक्टिव में लगेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी लैंडस्केप हो उसमें प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो आपका रियलिस्टिक लगता है जब उसमें प्रोस्पेक्टिव होता है। नहीं तो आपका एकदम ऐसा लगेगा नहीं कि आपने वो लैंडस्केप बनाया है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अभी यहाँ से वाटर निकल रहा है वो हमको इसमें दिखाना है, तो उस तरह से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने बहुत टाइम लैप्स कर दिया है, टोटल ये 1 घंटे का वीडियो था, तो उसको मैंने 5 मिनट में कर दिया है कि आपको बोर ना हो। तो इस वीडियो को एंजॉय करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस साइज़ का वर्क है उस साइज़ के हिसाब से आपको ब्रश लेना है। तो अभी मैंने छोटे साइज़ का ब्रश लिया है 2 नंबर का, तो उसके हिसाब से जब आपको फर्स्ट लेयर में मारना हो तो आप बड़े साइज़ का ब्रश यूज़ करते हैं, और डिटेलिंग के लिए 0 साइज़ का ब्रश यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको जो वाटर है वो एकदम लाइटली करना है फर्स्ट टाइम में, और आपको लाइन लाइन करना है। तो जो उसका शेडो है रिफ्लेक्ट हो रहा है पानी में, ग्रीन कर दिया मैंने बैक में। और जो आपको स्टोन के साइड में उसको डार्क करना है, जो अभी भी वाटर कलर स्टार्ट किए तो उनको इसी तरह से वाटर कलर करना चाहिए एकदम। तो इस फोटो का रेफरेंस है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसे बनाना है तो। ये बिगनर्स लोग के लिए एकदम सिंपल है, बिगनर्स लोग बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। आपको पर्शियन ब्लू को एकदम लाइटली वाटर में मिक्स करके मारना है एकदम लाइटली, और उसके ऊपर से धीरे धीरे डार्क करना है। आपको फोटोग्राफ को देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसा है। तो अभी नीचे की तरफ हम पर्शियन ब्लू मिक्स करेंगे क्योंकि वाटर है, आपको और डार्क करें तो कोबाल्ट ब्लू भी यूज कर सकते हो उसी में। तो
देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैं टोटली वाटर का शेड मार रहा है पानी मिक्स करके, तो किस तरह से दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं खुद ही किस तरह से दिख रहा है फोटो। आपको वीडियो को ऑब्जर्व करके आपको भी इसी तरह से अच्छा ड्राइंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर कलर में फाइनल वर्क हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।